हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर मैं मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ सूजी का हलवा, और बेटे को मैं टिफ़िन में भी यही देने वाली हूँ। देखिए, सूजी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, अब मैं दूध डाल दी हूँ। मॉर्निंग में अगर कभी जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाना हो और कुछ ना सूझे तो ये सूजी का हलवा बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। तो अब देखिए, मैंने इसमें चीनी वगैरह ऐड कर दिया है, बहुत ही कम टाइम में बन जाता है, हेल्दी होता है, बच्चे आसानी से खा लेते हैं। तो आज मैं झटपट से यही बना रही हूँ। तो देखिए, कंप्लीट हो गया मेरा सूजी का हलवा। और लास्ट में एक बड़ा चम्मच और घी ऐड कर दूंगी। देख लीजिए, यहाँ पर मैंने सर्व कर लिया है। और अब मैं आ गई हूँ ऊपर, बेटू को मुझे खिलाना है और स्कूल भी भेजना है। और देखिए, मैं बिल्कुल पगली जैसी हूँ, क्योंकि ना मॉर्निंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। अगर अपने ऊपर ध्यान दो ना तो बेटू का सारा काम लेट हो जाता है। बेटू यहाँ पर अपना फेवरेट कार्टून शो देखते देखते खा रही है। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने घर के मंदिर में। देखिए, ये माँ मनसा की मूर्ति है और ये रहे हमारे शिव जी। तो आज मैंने पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया है। तो आज ना माँ मनसा का 1 महीने के लिए हमारे यहाँ स्थापना किया गया है और यहाँ पर शिव जी की पूजा की गई है। तो माँ मनसा ना सांपों की देवी होती है, तो उनको दूध और ये केला चढ़ाया जाता है। और जो भी आपकी श्रद्धा हो, ऐसा की गो गोती दुई दी के दुई हम सो मुझे अजागर नाग छत्र छुपी से दार माथा रूप और सोनार खाते भूषो मागो रूपर खाते पाओ दंडे दंडे दी गो यामी चेचा मोरेर भाव जत खंजूरिया तुम्हार गीत गाई अन्य स्थाने जाओ जोरी शिवेर दो भाई बालक देखिया जनो। तो पूरे सावन के महीने में ना हमारे यहाँ मनसा मंगल का पाठ होता है। तो अभी उसका पूजा हो गया, ये प्रसाद है। तो आज का हमारा लंच एकदम ही सिंपल है। यहाँ मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी, वो भी बिना प्याज और लहसुन के। तो यहाँ पर ना मैंने आलू को बॉईल कर लिया है। तो जब भी घर में पूजा वगैरह होता है ना, तो प्याज लहसुन का कुछ भी बनाने का मन नहीं करता और नहीं बनाना भी चाहिए। उस दिन हम लोग सात्विक भोजन लेते हैं, यानी कि प्याज लहसुन छोड़ के जो सब्जी बनती है वही लेते हैं। और मैं ऊपर आई तो देखिए क्या, पंखू के पापा कार्टून देख रहे हैं। मैं जैसे आई उन्होंने चैनल चेंज कर दिया। और देखिए, हस्बैंड जी मार्केट से बहुत सारी सब्जी लेकर के आए थे, तो बारिश की वजह से ना सारी सब्जियां भीगी हुई थी। तो मैं ना सभी को फैला के रख दी कि इसका थोड़ा सा पानी कम हो जाए, अदरवाइज ना फ्रिज में भी आप रख लो। बट ना कभी कभी क्या होता है, सब्जियों में ना एक सीलन सा आ जाता है, देखिए। और जो भी सब्जी अगर सड़े हैं तो मैं उन्हें अलग कर रही हूँ। और देखिए, ये खिचड़ी है, ये दिया है मेरी बड़ी जेठानी ने, और साथ में ये दिया है मिक्स वेज। तो ये दोनों का कॉम्बो ना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पखांजूर। लोगों ने देखा, मैं बहुत हड़बड़ी हड़बड़ी में अभी हस्बैंड जी के साथ आ रही हूँ। तो उनको कुछ काम से पखांजू जाना था और मेरा भी कुछ काम था मार्केट का, तो मैं बोली चलो साथ में चलते हैं। तो मुझे मम्मी के घर ड्रॉप कर देंगे, और वहां से मैं और मम्मी जाएंगे जो भी सामान लेना होगा। तो आप पूरा व्लॉग देखिएगा, ठीक है। अभी हम लोग पहुंच गए मम्मी के घर और अभी मैं जा रही हूँ। बाय बाय। तो गाइस, मैं पहुंच गई हूँ मम्मी के घर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे कई बार कहा है कि मायके का टूर कराओ, तो मैं जरूर कराऊंगी। मम्मी, तो फ्रेंड्स मैंने ना मम्मी को पहले ही कॉल करके बोल दिया था कि आप रेडी रहना। तो हस्बैंड जी तो चले गए, अभी मैं और मम्मी भी जाने वाले हैं। तो छत पर कुछ कपड़े सूख रहे हैं, मम्मी उसको लाएंगी और उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ना पूरा ब्लॉग बिना स्किप किए देखना है। मम्मी आती है, मैं देखती हूँ फ्रिज में कुछ है क्या। अरे वाह, मिठाई है।
अरे वाह वाह वाह, मिठाई, गुलाब जामुन मेरा फेवरेट है, मुझे मिठाई, सारी मिठाई बहुत पसंद है। तो चलिए अब मिलते हैं मार्केट में। फ्रेंड्स हम लोग अभी माँ बेटी जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मुझे घर आते आते 8 बज गए थे, हस्बैंड जी का बहुत सारा काम था। और देखिए मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, तो लाए हैं मिठाई और डियो सैंडल। तो चलिए मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। और अभी ना काफ़ी लेट हो गया है और बेटू को भी ट्यूशन से आ गई है, तो उसको भूख लग गई होगी, तो मैं उसे भी खाना खिला देती हूँ। तो आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आज के वीडियो को करती हूँ यहीं स्टॉप। बाय बाय।